आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ततास्तु का अफोर्डेबल प्रोडक्ट था 35 सोना के अंदर लॉन्च हुआ था। उसकी डेट आई थी पहले 20 जनवरी, जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो 20 जनवरी की डेट थी, लेकिन अभी वो बदल गई है और बदल के अब जो डेट चेंज हो गई है वो है 31 जनवरी को 4 बजे का टाइम है। तो ततास्तु का जो ड्रॉ है वो 31 जनवरी को 4 बजे ऑनलाइन ही होगा, और जो भी आपकी जो लिस्टिंग लिस्ट है, विनिंग लिस्ट है, वो भी वहां पे होगी, और वेटिंग लिस्ट है वो भी आपने जहां अप्लाई किया था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट पे जाके, वहीं पे वो लिस्टें हैं वो आपकी डलेंगी। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं हमारे पे, तो वहां भी वो दोनों लिस्टें वहां पे डाली जाएंगी, वेटिंग लिस्ट भी रहेगी और आपकी जो विनिंग लिस्ट है जिसमें आपका नाम आया है और आपके नाम से फ्लैट है जो भी अलॉट हुआ है, ये दोनों लिस्टें आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे हम प्रॉपर अपडेट डालते रहते हैं, आपके नॉलेज की वीडियो भी हम वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। जैसे नई वीडियो आती है तो हम चैनल के अंदर डाल देते हैं, और जैसे कोई नए प्रोडक्ट आते हैं तो हम उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी वहां पे जाती है, और रियल स्टेट अपडेट की रिगार्डिंग जो भी न्यूज बाजार में आती है या गवर्नमेंट कोई नया इंप्लीमेंट करती है तो हम वहीं पे डालते हैं। अब बात आती है दोस्तों, मान लीजिए आपका ये फ्लैट है वो निकल जाता है तो आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आपको जो होम लोन की रिगार्डिंग आप अगर आप अभी से कंफर्म करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बैंकर का नंबर मिलेगा, आप उनको कॉल करके अपना लोन सेंक्शन करवा सकते हैं। पहले ही आपका कितनी एलिजिबिलिटी बनती है नहीं बनती है तो आप पहले ही सेंक्शन करवा के रखें, कहीं फ्लैट निकल जाए और आप कंटिन्यू कर लें और फिर आपका लोन पास ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना लोन सेंक्शन करवा के रखें, वो बेटर रहेगा, क्योंकि तैयारी पहले ही कर लेनी बेटर रहती है। दूसरा ये कि मान लीजिए आपका फ्लैट निकल जाता है, कहीं की पे भी आपका ऊपर नीचे टॉप फ्लोर होता है, मिडिल फ्लोर होता है, या नीचे के फ्लोर, नीचे तो वैसे ग्राउंड फर्स्ट पे तो इनके एमक्यू के यूनिट थी, और उसके ऊपर भी अगर आपको ये लगता है कि कोई फेसिंग आती है तो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपका बिल्कुल टॉप फ्लोर हो तो भी प्रॉपर्टी ग्रोथ करती है। तो आप एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि मां जैसे कि जो हाई राइज प्रोडक्ट होते हैं उसमें लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, टॉप फ्लोर लेते हैं पेंट हाउस में, तो उसमें भी तो छत ही होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि आपका टॉप फ्लोर का आने वाले टाइम में बहुत बेटर प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि वहां पे जो व्यू दिखेगा वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही दिखेगा, सारी पहाड़ी की शाखाएं वहां पे, इन्वायरमेंट की वैल्यू होगी, बल्कि नीचे की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की ऊपर की बनेगी, क्योंकि आप जहां जिस एरिया में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वहां पे इन्वायरमेंट का सबसे मेजर इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा, और आपकी जरूरत भी ऊपर के ही पड़ेगी। ज्यादातर जब रेंट आउट होंगी ना प्रॉपर्टी तो लोग ऊपर ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट जैसे जैसे उभरेगी, और आप वैसे भी 4 साल आगे देखो, 4 साल में मोस्टली जो प्रोडक्ट वहां पे डेवलप हो जाएंगे, और कनेक्टिविटी है वो भी फास्ट होनी है। देखो गवर्नमेंट सेक्टर रोड है वो, उसका देखो कोई पता नहीं है कब तक निकलेंगे, वैसे 2031 तक कहते हैं कि इनको प्रॉपर तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 2031 के मास्टर प्लान के अंदर है। और ये जो प्रोडक्ट है ये 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर पड़ता है, ये अरावली को जाके टच होता है, साथ में आप कनेक्टेड हैं गुड़गांव सोना एक्सप्रेसवे के साथ, तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट में, इस सेक्टर के अंदर। ये बेनिफिट होता है कि आप जिस एरिया में ये तथास्तु अप्लाई किया है इस एरिए के आसपास ही सारी सुविधाएं आनी है, यानी यहाँ पे आपका एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है, आपके फ्यूचर के अंदर सेक्टर जो 3 है उसके अंदर आपका बस स्टैंड जो सोना का ISBT सोना प्रपोज्ड है, वहां पे सारी गवर्नमेंट जो ऑफिसेज वगैरह आने हैं, इंस्टीट्यूट आना है, इंस्टीट्यूशनल जो भी आते हैं वो सारे सेक्टर 3 में बनने हैं, यानी जो अंदर के भी सेक्टर हैं उनमें भी काफी अच्छा जो एप्रिसिएशन है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपका प्रॉपर्टी इसके अंदर, आपका फ्लैट इस प्रॉपर्टी के अंदर निकल जाता है तो आप रख लीजिए इसको, कैंसिल ना कराइए, क्योंकि आगे रेट बढ़ते भी जा रहे हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और प्रॉपर्टियां भी कम होती जा रही है, तो अच्छा मौका है दोस्तों, इनको रख लेना, कैंसिल मत कराना अगर आपका निकलता है तो। और लोन के रिगार्डिंग अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आपकी हेल्प के लिए मैंने नीचे नंबर डाला है, उसको आप देख लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हम सीरीज रेडी करने वाले हैं जिसमें हम इंटरनल डेवलपमेंट के सेक्टरों की हम बात करने वाले हैं हर प्रोडक्ट के। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू दोस्तों।